देश के चार राज्यों के एटीएम से कैश खत्म होने की खबरें सामने आ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में एटीएम में लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि हालात कहीं वैसे ही ना हो जाए जैसे नोटबंदी के समय हुए थे। वहीं आरबीआई के सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में उतना कैश सप्लाई नहीं हो पाया जितना होना चाहिए और इसी के चलते ये हालात पैदा हुए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि हालात सामान्य होने लगे हैं और एक से दो दिन में नकदी संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया ये भी जा रहा है कि वो इसके मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी भी लिखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नकदी संकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत 2000 के नोट चलन से गायब किए जा रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी बिहार के लोगों को हो रही है।